दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। अक्सर पुलिस के द्वारा कछुए की गति से अनुसंधान के कारण न्याय मिलने में विलंब होती है। देर से न्याय मिलना भी न्याय नहीं मिलने के बराबर प्रतीत होता है। नालंदा पुलिस का भी अनुसंधान कछुए की गति से धीमी है और पिछले 25 वर्षों में भी हत्यारा तो क्या मृतका को भी नालंदा पुलिस नहीं पहचान सकी है। कुछ मामलों में तो वादी और आरोपी निराश होकर कोर्ट का चक्कर लगाना छोड़ दिया और नतीजा यह है कि आज भी फाइल बरसों से धूल फांक रही है और पक्षकार पुलिसिया अनुसंधान के कारण न्याय की आस लगाकर बैठे हैं। नालंदा जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी के दिशा निर्देशन में नालंदा जुरिडिक्शन से संबंधित वर्ष 2000 के पहले के पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए स्पेशल ड्राइव शुरू किए गए हैं और पिछले 5 दशक से कोर्ट कचहरी दौड़ रहे लोगों को न्याय की उम्मीद जगी है। जिला जज के निर्देशन में एसीजीएम 5 मानवेंद्र मिश्र ने भी प्राथमिकता के तौर पर बरसों से पेंडिंग मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए स्पेशल ड्राइव शुरू किए हैं और लगभग 22 से 23 वर्षों से अंतिम प्रपत्र के इंतजार में मामला लंबित पड़ा है। दरअसल पूरा मामला नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र से संबंधित है। 1997 में ही हत्या से संबंधित यह मामला छबीलापुर थाने में दर्ज हुआ था और नालंदा पुलिस आज तक न्यायालय को यह नहीं बता सकी कि मृतका कौन थी और उसका हत्यारा कौन था। छबीलापुर थाना कांड संख्या 13/1997 आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मामला दर्ज हुआ है जिसमें एक 25 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिला था और आज तक पुलिस उस महिला के हत्यारा तो दूर मृतका की पहचान तक नहीं कर सकी है, जिसके कारण पिछले 25 वर्षों से यह मामला न्यायालय में लंबित पड़ा है। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस दशकों से अभी तक अनुसंधान कर रही है और एक एक कर मैं मामलों को आपके समक्ष लाऊंगा जिसमें पुलिस के द्वारा कछुए की गति से अनुसंधान किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं न्याय दिलाने में विलंब साबित हो रहा है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।